असम के लाखीमपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ पर एक महिला ने अपने पति को मारने के बाद उसके कटे हुए सिर को लिया और पुलिस के पास पहुंच गई। हालांकि ये घटना 28 मई की है, तो आपको बता दें कि इतना बड़ा कदम इस महिला ने क्यों उठाया होगा। उसका पति शराबी था और उसे परेशान करता था, मारपीट करता था, तो उसी से तंग आकर ये महिला ने बड़ा कदम उठा दिया। गुस्से में आकर महिला ने ये कदम उठाया। उसने कई बार पति को छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चों के कारण ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन आखिरकार ये स्थिति पति पत्नी की वहाँ तक जा पहुँची कि उसने अपने पति को मार दिया। उसको अपनी ज़िंदगी ख़राब लग रही थी, शराबी पति से परेशान थी, तो पुलिस ने महिला को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। घटना की तफ्तीश की जा रही है। महिला ने जानकारी दी है कि उसने अपने पति को कुल्हाड़ी से मारा रहा है। उसने पति को छोड़ने की कोशिश की थी लेकिन नहीं छोड़ सकी, और उसके बाद आखिरकार मार के ही उसे छुटकारा मिला। इस तरह की जानकारी महिला ने पुलिस को दी। एक महिला थाने में पति के कटे हुए सिर को लेकर महिला खुद पहुंच गई। उसने सरेंडर किया और पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, और उसने बोला कि वो अपने पति के गुस्से वाले, शक्की और शराबी रवैये से परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया।